हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाली सभी क्लासेस आप लोगों ने की होगी। ये हमारा वर्णिका बुक कक्षा 10 हिंदी का बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 4 है नगर। इससे पहले हमने पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा, दूसरा चैप्टर ढाते विश्वास और तीसरा चैप्टर माँ को मैंने अपलोड किया है। उसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी दिए हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाकर के वहाँ से इसे देख सकते हैं। इस वीडियो को इसमें क्या होने वाला है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लेखक परिचय से लेकर के पूरा कहानी आपको सुनाऊंगा, और जैसे मैं सुनाऊंगा शायद आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे बच्चे, तो पूरा आप लोग सुनना, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं एक लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर के आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं इसका, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में बच जाता है, ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन को नहीं बना पाते हो, तो मुझे कमेंट करना, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि पूरी शिद्दत के साथ मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी इसमें पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 12 से 15 मिनट के लिए क्लास होगा, बढ़िया से देखते हैं। सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है नगर। नगर, यह चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है? सबसे पहले यह कहानी किस भाषा में लिखा है? तमिल में। किस में? तमिल में। और लिखने वाले कौन है? सुजाता। सुजाता, इसका पूरा नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए इसका वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन। क्या बोलिएगा? बोलिए एस रंगराजन। एस रंगराजन, यह हमने लिख के रखा है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 बार पेपर में पूछा गया है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन। किस भाषा की कहानी है? तो तमिल भाषा की। जन्म इसका कब हुआ था? 3 मई 1935 ईस्वी को। आप बोलोगे सर इतनी चीज़ याद कैसे रखें, मेरे बच्चे एक बेहतर तरीका मैंने इसमें बताया है। सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपये केजी तेल बेचती थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में, यानी कि नगर का लेखिका जो है वो सुजाता है, तेल बेचती थी। मतलब ये तमिल कहानी है। कैसी है? तमिल, तेल से तमिल। 35 रुपये, मतलब इसका जन्म 1935। 35 रुपये, इसका मतलब इसका जन्म 1935। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है कि एक लड़की होती है जिसका नाम है, ऐसे लोग पापती कहते हैं उसको, लेकिन नाम देखिए क्या लिखा है, पा पपती है ना, पापापती नाम इसका, पापापती, पाप पाती, पाप पाती इसका नाम है। ऐसे आप जो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, नाम में कुछ रखा है, पापती हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, पापती नाम है इसका, चलो ठीक है ना। और इसकी एक अम्मा है जिसका नाम है वल्ली अम्माल। क्या नाम है इसका? नाम बोलो, वल्ली अम्माल। तो पेपर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है, तो आंसर मारिएगा पाप पाती बोले या पापती बोले, पापती नाम था। इसकी उम्र 12 वर्ष। उम्र कितनी थी? 12 वर्ष की यह लड़की थी। एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। इसके गाँव का नाम था मुन्नान डिप पटीट है ना, पटीट, मुन्नान डिप पटीट इसके गांव का नाम है। आप बोलोगे सर इतना खतरनाक हम याद कैसे रखें, मेरे बच्चे कुछ याद मत रखो, मुन्ना नाम याद रखो ना, मुना, मुना क्या नाम था, मुना। गांव का नाम क्या था बोलो? मुना, मुना, ठीक है बच्चे। तो इस गांव का इसका नाम था, ठीक है। अब क्या होता है कि पापती अचानक एक दिन बीमार पड़ जाती है। पापती अचानक एक दिन बीमार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? बीमार। उसे हो जाता है बहुत तेज बुखार। क्या हो जाता है? बहुत तेज बुखार हो जाता है, और उसके साथ में शरीर में दर्द होना। तो यदि ये जो स्पाइनल कोड होता है, इस जगह अगर दर्द होता है ज़्यादा, इस जगह दर्द होता है, साइंस की बात पढ़ा रहा हूँ, इस जगह जो दर्द होता है और तेज़ बुखार होता है शरीर में, तो उस बीमारी को मेनिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस। तो पापती को तेज़ बुखार हुआ, अभी पता थोड़ी चला इसको क्या हुआ, वो तो बड़े डॉक्टर बताएंगे ना क्या हुआ है। इसको तेज़ बुखार हुआ, तो गाँव में जो डॉक्टर थे, गाँव के जो चिकित्सा केंद्र थे, गाँव में जो मुन्नान डिप पटीट गांव में जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला इसे बड़े शहर लेके जाओ, क्योंकि इसका रोग ऐसा है जिसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा ना? आ रहा ना बिल्कुल? हाँ। इसको बड़े शहर जाने के लिए बोला, तो अब ये बस में चढ़ के या कुर्सी में चढ़ के आ गई बड़े शहर, ठीक है ना। उम्र इसकी 12 साल। यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हमने? बोलो यस सर, यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है सर। अब ये आ गई बड़े शहर। बड़े शहर का नाम है मदुरै। क्या नाम है? मदुरै। आप बोलोगे सर ये मदुरै कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में एक शहर है मदुरै। मदुरै को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेपर में पूछा जाता है, मदुरै के अंग्रेजी वाले लोग मदुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मदुरा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि मदुरै शहर को अंग्रेजी वाले लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन सी में मारिएगा मदुरा। क्या मारिएगा? मदुरा, ठीक है। चलिए
अब ये जब हॉस्पिटल में आई तो हॉस्पिटल के बाहर में बरामदे पर बैठी थी अपनी बेटी को लेकर। तो फिर क्या हुआ कि ये जब अस्पताल में प्रवेश की तो छह डॉक्टर इसको घेर करके इसको इसकी बच्ची को देखने लगे। छह डॉक्टर इसकी बच्ची को घेर करके देखने लगे। तो छह डॉक्टर मिलकर के इसको देख रहे थे। इसमें दो मशीन का उपयोग हो रहा था देखने में। पहला मशीन का नाम था स्टेथोस्कोप। क्या नाम था बोलो? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उस मशीन को कहते हैं जो डॉक्टर गले में लेकर के घूमते हैं, जिससे धड़कन की गति नापी जाती है। क्या नापी जाती है? धड़कन की गति। तो पेपर में पूछा जाएगा स्टेथोस्कोप से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में आता हिंदी में, तो लिखिएगा धड़कन की गति जांची हो जाती है। और एक दूसरा मशीन था बच्चों, उसका नाम था ऑप्थलम स्कोप। क्या था? ऑप्थलम स्कोप से क्या होता है बच्चों? तो ऑप्थलम स्कोप से आँख की जाँच होती है। आँख के अंदर में कौन सी बीमारी, आँख जाँचने के लिए होता है ऑप्थलम स्कोप। तो ये चीज़ दो चीज़ से लेकर के जाँच रहे थे। जाँचने के बाद हृदय की गति और आँख के जाँच करने के बाद बड़े डॉक्टर ने बोला, कितने डॉक्टर मिलकर चेक कर रहे थे बोलो? छः डॉक्टर। उसमें एक बड़ा डॉक्टर था, सीनियर डॉक्टर, उसने बोला यह लड़की को मेनिनजाइटिस रोग है। क्या बोला? इसे मेनिनजाइटिस रोग है। और डॉक्टर ने सटीक बोला, तुरंत बोला कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। मैं चाहता हूँ कि इस लड़की को अभी एडमिट किया जाए अस्पताल में। क्या बोला? मैं चाहता हूँ इस लड़की को अभी अस्पताल में एडमिट किया जाए, बोल करके बड़े डॉक्टर चले गए। बड़े डॉक्टर ज़्यादा रुकते थोड़ी ना, वो चले गए। अब जो छोटे डॉक्टर जो बचे थे उसमें दो का नाम हमें मालूम है जी। पहला का नाम था धर्मशेखर और दूसरे का नाम था पाल। पहले का नाम था धर्मशेखर, दूसरे का नाम था पाल। पेपर में नहीं पूछता है। आप बोलोगे सर बड़े डॉक्टर का नाम बताओ, मेरे बच्चे इस बुक में नहीं दिया गया है। तो फिर क्या हुआ, उसने इसकी मम्मी को बोला, इसकी मम्मी जो आप देख रहे हो वल्ली अम्माल इसकी मम्मी है, मम्मी को बोला कि आपको क्या करना है, आपने इसका पर्चा कटवाया तो आप सभी को मालूम होगा मेरे बच्चे कि आप जब भी अस्पताल में जाते हो तो पहले एक पर्ची कटवाना पड़ता है अपने नाम का, चाहे छोटा रोग हो बड़ा रोग हो कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पंजीयन जिसे कहते हैं। तो इसने बोला कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, है ना, चलो है ना, कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ठीक है ना। तो क्या हुआ फिर, तो इसको बोला कि आप जाइए सामने वाली खिड़की में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो सबसे पहले इसकी मम्मी गई और रजिस्ट्रेशन करा ली। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन में वहाँ पर बोला गया कि आप सबसे पहले एक जगह जाओ, वो कुर्सी ऊपर में जाइए, वहाँ पर एक कुर्सी लगी होगी, वहाँ पर एक इंसान बैठा होगा, उसके पास जाकर के पहले आप अपनी आय बता दीजिए, आपका वेतन कितना है पहले बता दीजिए, यानी आपका इनकम कितना है पहले बता दीजिए। अस्पताल में ये नियम हो गया, पहले वेतन बताओ कितना है तुम्हारा, तब इलाज होगा। तो ये जब ऊपर में गई तो देखा जिस कुर्सी में इसे भेजा गया था उस कुर्सी में धूल पड़े थे पूरे, यानी कि कोई बैठा नहीं था। तो फिर जाकर के उसके बगल वाले है ना व्यक्ति को इसकी माँ पूछती है कि भाई साहब इस व्यक्ति से मुझे काम था, वो कहाँ है? तो बोले वो थोड़ा भी किसी काम से गए, थोड़ी देर बैठिए वो आ जाएंगे। अब इसकी बेटी को अस्पताल में मेरे भाई वो जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेचर पर इसकी बेटी को लिटा करके छोड़ करके, इतना बुखार से पीड़ित थी, पूरा शरीर मेरे बच्चे बुखार से पीड़ित है, वो होता ना घर का आने वाला, रे अस्पताल में नहीं देखा घर का आने वाला, जी घर का आने वाला स्ट्रेचर, उसमें इसकी बेटी को सुला दिया था। और इसका जी छटपट छटपट कर रहा है माँ का, यार ऐसी कहानी, माँ का जी छटपट छटपट कर रहा है अपनी बेटी से मिलने के लिए, लेकिन माँ को यहाँ पर ऊपर में रोक कर रखा है, आने दो। तो आए थोड़ी देर में आने के बाद पूछा कि भाई बताओ कितना रुपये वेतन है तुम्हारा, कितना रुपये कमा लेते हो? तो बोला कि वेतन मैं तो धान काटती हूँ और मुझे वेतन के रूप में मुझे धान ही मिलता है, जब मैं राई काटती हूँ तो वेतन में मुझे राई मिलता है, यानी हमारा कोई इनकम नहीं है। समझ गए ना आप लोग, हमारे बिहार में भी अक्सर होता है कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वो काटने जाते हैं फसल काटने, मकई काटने, गेहूँ काटने, घास काटने, तो सॉरी मतलब घास नहीं, जो सब चीज़ होता है जितने फसल होते हैं तो उसके बदले उसे वही मिलता है। जैसे आप भी जाओगे मकई है ना मकई काटने के लिए तो आपको मकई मिलेगा, धान काटने जाओगे तो धान मिलेगा। उसको कहते हैं प्यारे बच्चों हमारे पर हमारे आसपास में हमारी भाषा में उसे दीनी कहा जाता है। क्या कहता है आपके यहाँ, क्या कहता है आप लोग मुझे लिखना, दीनी कहा जाता है, दीनी, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता है बच्चों। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका वेतन 90 रुपये लिख दूँ? तो बोला हाँ ठीक है। बोला कि वो जो ना डर गई जब बोला कि 90 रुपये लिख दूँ वेतन,
तो डर गई वो, तो बोला नहीं नहीं माँ जी आपको टेंशन नहीं लेना, आपको वेतन देना नहीं पड़ेगा, अब आप इस पुर्जे को लीजिए और इस पुर्जे को लेकर के सामने से, सामने जाना है आपको, सीधे जाना है और सामने जाकर के आपको दाएं मुड़ना है, सामने जाकर के आपको दाएं मुड़ना है और दाएं मुड़ने के बाद आपको आपको कमरा नंबर 48 में जाना है, कमरा नंबर 48 में जाना है। मेरे बच्चे मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, ये 48 46 45 90 200 किसको समझ में आता है, किसको, जो लोग पढ़े होते हैं, जो लोग अनपढ़ होते हैं उसको समझ में आएगा 48 नंबर क्या होता है। तो भाई साहब ये वल्ली अम्माल जिसकी मम्मी थी 48 नंबर कमरे को नहीं खोज पाई, क्या बोला मैंने, 48 नंबर कमरे को नहीं खोज पाई। पेपर में पूछा जाएगा कि वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में जाने को बोला था, ऑप्शन सी में रहेगा 48 खोज के मारना, मारोगे ना, यस। तो 48 नंबर कमरे में इसको जाने के लिए बोला और ये नहीं खोज पाई, ये मतलब कि वहीं पर अपनी बेटी की याद में जब कमरा नहीं खोज पाई तो किनारे में रो रही थी बहुत। तो एक सज्जन आए, बढ़िया व्यक्ति आए, बोले बहन जी रोते हो तो बीच में मत रो, किनारे होकर के रो लो, ऐसे रो लो। बताओ यार उसको बोलना चाहिए मम्मी ना माँ जी क्यों रो रही हो, क्या कारण है, बोला रोना है ना तो रास्ते में मत रो यार, किनारे में जाके रो, कैसा पागल इंसान था। तो फिर क्या हुआ, मम्मी इसको वल्ली अम्माल को एक व्यक्ति मिला जो कि सबका वो हाथ का वो पुर्जा ले रहा था, तो ये भी जाकर के बिना उससे पूछे किस चीज़ का आप पुर्जा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इन्होंने जाकर के अपना पुर्जा उसके हाथ में दे दिया। वो व्यक्ति सबका नाम पुकार रहा था, रोहित कुमार, संजना कुमारी, मनीष कुमार, फलनमा कुमार, नाम सबका ले रहा था। तो उसमें प्यारे बच्चों थोड़ी देर के बाद नाम आ गया पापती कुमारी का, पापती मान के चलो नाम आ गया पापती। तो इसकी मम्मी के ऊपर में ऐसे पर्चा फेंक दिया, बोला आप इसको यहाँ पर लेकर के क्यों आए हो, इस पुर्जे को लेकर के आप 48 नंबर पर जाओ कमरे पे, ये 48 नंबर थोड़ी है। तो बोला कि भाई जी मुझे पता नहीं क्या होता है 48 नंबर, कहाँ 48 नंबर है मुझे कुछ नहीं पता। तो बोला एक काम करो इधर आओ, इधर आओ, एक लड़के को बोला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसको मम्मी इसको माँ जी को ले जाओ 48 नंबर कमरे पर जा करके छोड़ देना। तो बोला ठीक है। अब इसको लेकर के गया वहाँ पर, तो जाने के बाद देखता है टाइम ज़्यादा हो गया जी, सब कुछ बंद हो गया, सब कमरा एक ही जैसा लग रहा था, कहीं पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, कहीं पर कुछ हो रहा था, ये वो सब कमरा बंद हो गया। और लंच का समय होता है ना, अरे यार अस्पताल में खाने का समय होता है ना, तो सब कुछ क्लोज हो गया। अब ये इन्हें समझ में नहीं आता है कि ये बेटी से कैसे मिले, पापती से कैसे मिले, ये समझ में नहीं आता है, इसे कुछ याद ही नहीं होता है कि अस्पताल में किधर से आया मैं, किधर मुझे जाना है, कुछ नहीं। आप भी देखते होंगे कोई बड़ा ऐसा इलाका कभी गए होंगे, ऐसा इलाका जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, या कोई ऐसा बिल्डिंग जहां पर आप कभी नहीं गए तो आपको पता ही नहीं चलता। मैं यार खुद एक बार गया था एक अस्पताल में, ठीक है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था, आज नहीं मैं जब 7th 8th में पढ़ता था उस समय की बात बता रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने किस कमरे पर अपनी मम्मी से मिला था। फिर जाकर के मैं इस कमरे में देख रहा हूँ मम्मी है क्या, फिर इधर देख रहा हूँ मम्मी है क्या, इधर देख रहा हूँ मम्मी है क्या, अरे यार कहीं मम्मी नहीं मिली थी मेरी। बचपन में आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसी सड़कें होती है जो मतलब एक ही तरह की सड़कें बहुत सारी होती हैं, सोचते हैं मैं इस सड़क से आया था या इस सड़क से आया था, तब फिर हम लोग सोचते हैं क्या निशान था उसका, उसके सामने ये बिल्डिंग थी, उसके सामने किराना का दुकान था, उसके सामने मंदिर था, तो इस तरह ये भूल गई ना कि मुझे कहाँ जाना है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, अचानक सा इसे एक सीढ़ी दिखाई पड़ी, लकड़ी की सीढ़ी, और इसे याद आ गया कि मैं लकड़ी की सीढ़ी को पहले कभी देखी हूँ, यानी कि एक आध दो घंटे पहले मैं इसे देखी हूँ। ढाई घंटे तक वो अस्पताल में घूमती रही बिना बेटी से मिले, सोचो यार एक इंसान का जो बेटी, एक इंसान का बेटी स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ है, बुखार तेज है, उसको होश नहीं है, आँखें बंद है, मुँह खुला हुआ है, उस बेटी को छोड़ के ढाई घंटे तक मम्मी अस्पताल के चक्कर काटती रही, कैसी व्यवस्था होगी वहाँ की, सोचो व्यवस्था कैसी होगी अस्पताल की, कितना घटिया व्यवस्था होगा वहाँ का। उसके बाद क्या हुआ फिर, तब इसकी नज़र पापती पर पड़ेगी, थोड़ी दूर चलने के बाद देखी वो मेरी पापती है, बोला भैया जी मुझे पापती से मिलना है, मेरी बेटी है। वहाँ के गार्ड ने क्या बोला पता है, क्या बोला, अभी नहीं मिल सकते, 3 बजे मिलना है, अभी बंद हो गया, लंच का समय है। बोला भाई जी मुझे जाना, मेरी बेटी मर जाएगी, मुझे जाने दो। बोला नहीं जा सकते, 3 बजे जा सकते। उसी समय एक दूसरा आदमी आया, अपने पॉकेट से 100 रुपये निकाला, बोला मुझे किसी से मिलना है। गार्ड ने बोला नहीं जा सकते, 3 बजे जाओगे। बोला 100 रुपये लो। बोला तुरंत जाओ। भ्रष्टाचार, दिस इज भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार है बच्चों, ठीक है।
तो उसी के पीछे इसकी मम्मी वल्ली अम्माल भी किसी तरह से बेटी के पास पहुंच गई। जब बेटी के पास पहुंच गई तो अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उन्हें पता चल गया, है ना। और एक चीज़ मैंने वहाँ पर बीच में छोड़ा बच्चों कहानी में कि जब वो 48 नंबर कमरे में गई थी, जब वो 48 नंबर कमरे में गई थी तो वो कमरा बंद नहीं था। उसमें ये हुआ था बच्चों, मुझे भी याद आया कि उसमें बोला कि सारे सीट फुल हैं, उसमें बोला कि सारा सीट फुल है। क्या बोला? कि एक भी बेड खाली नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है, आपको 7:30 बजे आना है, कल सुबह साढ़े सात बजे आना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक, मैंने मिस्टेक किया, सॉरी, 7:30 बजे आपको आना है। तो वल्ली अमाल सोचने लगी कि मैं 7:30 बजे तक यहाँ क्या करूँगी, अगर मैं 7:30 बजे तक यहाँ पर रही तो शायद मेरी बेटी को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपनी बेटी को पुनः अपने गांव, है ना, लेकर के जाऊंगी। उसने क्या किया, अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, उसके गर्दन को अपने कंधे पर रख लिया और उसको गोद में उठा करके बाहर में जा करके एक पीले रंग के रिक्शे में बिठा करके अस्पताल से निकल गई। क्या सर, निकल गई? हाँ यार, निकल गई, इसका इलाज ही नहीं हुआ यार। अस्पताल यार फोटू अस्पताल था, फारूक ख़त्म का अस्पताल था, कोई काम का नहीं यार, मार के गिरा दो अस्पताल को, कोई काम का नहीं है सर। तब बड़े डॉक्टर आए जिन्होंने बोला था आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, जिसने बोला था कि इस लड़की को अभी से अभी यहाँ पर क्या करो, एडमिट करो। वह डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आया और पूछा कि वेयर इज़ दैट गर्ल, वह लड़की कहाँ है, वह लड़की कहाँ है जिसे मैंने सुबह एडमिट करने के लिए बोला था, वह लड़की कहाँ है? तो बोला पता नहीं कहाँ गई है, मुझे पता नहीं। उन सभी छोटे मोटे डॉक्टर ने बोला, नर्स ने बोला, मुझे पता नहीं कहाँ गई है। बोला तुम लोग पागल हो गए हो क्या, दिमाग ख़राब हो गया तुम लोगों का, वो लड़की मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी, उसका इलाज करना 100% जरूरी है, कहाँ है वो लड़की? बहुत चीख चीख कर हल्ला कर करके डॉक्टर कहने लगा, जबकि बड़े डॉक्टर की वो लड़की कोई भी नहीं थी। बड़े पोस्ट में रहने वाले लोग थोड़े से अच्छे होते हैं, नीचे वाले चाटुकार जो होते हैं ना, वही यार अपने औकात दिखाते हैं। तो क्या बोला कि उसका इलाज करना 100% जरूरी था, वो लड़की कहाँ चले गई, जल्दी खोजो उसे, जल्दी खोजो। तो बोला कि देखिए इतना हल्ला आप कर रहे हैं, अपने अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है, कहाँ लेते हैं हम उसको, नहीं ले पाया उसको। तो बोला भाई साहब आपके अस्पताल में बेड खाली नहीं, तो मेरा जो है पर्सनल वार्ड जो है, मेरा जो पर्सनल वार्ड है वहाँ पर एक बेड खाली था, वहाँ पर इसे मैं भर्ती करूँगा, जल्दी खोज के लाओ कहाँ गई वो। चारों तरफ खोजा, बोला कि वो लड़की 48 नंबर कमरे में जाके पूछा, बोला हाँ उसकी मम्मी आई थी, मैंने उसे 7:30 बजे बुलाया। भला यार तू पागल हो गया है, बड़े डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं वो और तुम बोलते हो कि मैंने उसे 7:30 बजे बुलाया। बोला क्या करूँ, खाली था ही नहीं बेड। तो डॉक्टर, बड़े डॉक्टर को आकर के बोला, डॉक्टर साहब ऐसी बात है कि उसे 7:30 बजे बुलाया गया। बोला 7:30 बजे तक तो लड़की मर जाएगी, 7:30 बजे तक लड़की मर जाएगी। मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि वल्ली अम्बाल को सुबह कितने बजे बुलाया गया था, कमेंट कर दीजिए नीचे कितने बजे बुलाया गया था, ठीक है ना। बोला वो तो तब तक में मर जाएगी, बस इतनी कहानी है। अब ये बेटी को लेके जा रही थी, चलिए फिर उसके पास आते हैं। वो पीले रंग की साइकिल रिक्शा में अपनी बेटी को लेके जा रही थी और जाते जाते अपने आप को एक झूठा दिलासा देते हुए जा रही थी, अरे कुछ नहीं हुआ है मेरी बेटी को, आम बुखार ही तो है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, मिट्टी की मैं पट्टी लगा दूंगा, किसी ओझे से झरवा दूंगा, ये तो ठीक हो जाएगी। और महेश, है ना, और देवेश्वर नाम का एक मंदिर था भाई साहब, कहाँ गए, हाँ वेदी स्वरण नाम का एक मंदिर था, वहाँ पर मन्नत मांगते मांगते जा रही थी, आ भगवान, आ मेरी माता, आ मेरे पिता, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो मैं आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाऊंगी। क्या जा रही थी, अब आप सोच के बताओ मेरे बच्चे, क्या कहानी ख़त्म हो गया, कहानी बस इतना ही है, क्या सर ख़त्म हो गया, हाँ मेरे बच्चे कहानी ख़त्म हो गया। अस्पताल आई थी मानू डिपट्टी गाँव से, मदुरे में बहुत बड़ा अस्पताल था, नाम सुना था, ऊंचा मकान, फीका पकवान, कोई इलाज नहीं हुआ इसका, घूम करके चली गई। रास्ते में मन्नत मांगते हुए जा रही कि हे वेदेश्वरनी मंदिर में, वेदेश्वरन मंदिर में, हे माता, हे पिता, अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाता है तो मैं आपको चढ़ावा चढ़ाऊंगी। एग्जाम में पूछा जाता है
कि वली अम्बाल किस मंदिर में पापति के लिए मन्नत मांगती है? वेदी स्वर्ण मंदिर में, वेदी स्वर्ण मंदिर में। आइए पढ़ाते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को। अब आप लोग अंदाजा लगा के मुझे कमेंट करना, क्या पापती जीवित बची होगी या मर गई होगी? डॉक्टर ने क्या बोला था, कल 7:30 बजे तक मर जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सबसे पहली बात मेरे बच्चे कि नगर किस भाषा में है, तो ये तमिल में है। इसके लेखक हैं सुजाता, का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। मेरे बच्चे जन्म इसका 3 मई 1935 में। अनुवादक, इस कहानी को जो अनुवाद किया हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अनुवादक हैं ए जामुना। क्या है? ए जामुना। दूसरा, वल्ली अम्बाल की पुत्री का नाम क्या था? पापती। उसकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। वह कौन रोग से ग्रसित थी? मेनिनजाइटिस। उसका गांव का नाम क्या था? मुन्ना डिप टिट, ठीक है ना, मुन्ना डिप पटिट बोल सकते हैं इसको, है ना। आगे है कि उसके लिए मम्मी ने मन्नत कहाँ मांगा था? वेदेश्वरन मंदिर में। मेनिनजाइटिस का अर्थ क्या होता है? तेज बुखार। तेज बुखार को भी मेनिनजाइटिस कहते हैं। दूसरा, उसके पिता की मृत्यु पहले हो गई थी, उसका वेतन कितना रुपये लिखा गया था? 90 रुपये। याद है आपको, 90 रुपये उसका वेतन लिखा गया था बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे, शहर का नाम क्या है? मदुरे। बड़े शहर का नाम क्या है? मदुरे। मदुरे कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मदुरे कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक मंदिर है, उसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। एग्जाम में पूछा जाए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी में रहेगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरे में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरे में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरे में स्थित है। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये किसने कहा था? आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, यह किसने बोला था? तो यह बोलने वाले थे बड़े डॉक्टर। बड़े डॉक्टर ने बोला था कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, है ना। बड़े डॉक्टर ने क्या बोला था कि 7:30 बजे हम मर जाएगी। कतार में जब इसे खड़ा किया गया था, पेपर में आता है, जब कतार में इसकी मम्मी को खड़ा कर गया था, खड़ा किया गया था, तो इसकी मम्मी याद करती थी अपने पति को, और अपने पति को कोसती थी, यार तुम तो मर गए, तुम तो मर गए, लेकिन देखो मैं ये कैसा झेल रहा हूँ, मैं कैसे झेल रहा हूँ बताओ। ठीक है ना। फिर है, हो गया। अंग्रेजी भाषा में इसे मदुरा कहते हैं, नेताजी द्वारा, ये छोड़ो, इसके कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है बताओ मेरे भाई? तमिलनाडु में। आप ये बता देना मुझे कमेंट करके कि पापती को कितने डॉक्टरों ने घेर के रखा था। स्टेथोस्कोप हृदय की गति नापने के लिए, ऑप्थ, है ना, क्या लिखा है, ऑप्थलम स्कोप आँख की जाँच के लिए। दो डॉक्टर जो थे उसका नाम था धनशेखर और पाल। बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? ब्रिटिश मेडिकल। ब्रिटिश मेडिकल की तैयारी करके आए थे बड़े डॉक्टर, पेपर में पूछा जाता है, लिख दीजिएगा। ठीक है ना। 6 डॉक्टरों ने घेर के रखा था, 7:30 बजे उसे बुलाया था। कमरा नंबर कितना था? 48। और पीले रंग की रिक्शे वाली साइकिल पर वो गई थी। अब मेरे बच्चे बताओ कि इसे भर्ती क्यों नहीं किया गया, बताओ मेरे बच्चे, कैसी कहानी थी, कैसी कहानी लगी आपको? एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है इसमें मेरे बच्चे। पापती में बताओ मर गई होगी, पापती मर गई होगी। क्यों? क्योंकि उसका इलाज गांव में कैसे हो पाता था बताओ। चलो, ऐसी कोई गारंटी नहीं है बच्चों। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपके बुक में क्या क्या आता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर एक मेरे पास है, भरने का बुक देख सकते हैं आप लोग, कक्षा 10 का। सब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन एक कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? मेरे बच्चे, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर इसलिए रखा क्योंकि एक छोटे से गाँव से उठ करके लोग नगर में आए इलाज कराने के लिए, और नगर में इसका इलाज नहीं हुआ इसलिए रखा इसका नाम नगर। दूसरा है कि पापती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पापती वल्ली अम्बाल की एक बेटी थी जो मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी, उसी रोग को दूर करने के लिए उसे शहर लाया गया था। अगला है बच्चों कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा? बड़े डॉक्टर ने पापती को अस्पताल में भर्ती इसलिए करने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत ही क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था, और इधर ही वह मेनिनजाइटिस रोग के बारे में अच्छी अच्छी दवाई पढ़ के आया था, तो उसका मन था कि वो अपने से उसे ठीक करें, ठीक है ना, इसीलिए उसे भर्ती करने के लिए कहा था। तीसरा है बच्चों, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो आंसर लिखेंगे कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद पापती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, इसका कारण यह होता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो पैसे लेकर अधिकांश काम करते हैं, और गरीब लोगों का, है ना, पैसे लेकर काम करते हैं, और इसका दूसरा कारण यह था कि वहाँ पर बेड भी खाली नहीं था, ठीक है ना, लेकिन वो पैसा लेकर काम करते, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वहाँ के लोग कर्मचारी अच्छे नहीं थे, लिख देना, इसलिए वहाँ पर उसको भर्ती नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अम्बाल का चरित्र चित्रण कीजिए। वल्ली अम्बाल एक बहुत ही अच्छी माँ कह सकते हैं उसको, माँ थी जो अपनी बेटी के लिए अपने गांव से लेकर के बेटी को शहर लेकर के आई थी, नगर लेकर के आई थी, मदुरे शहर लेकर के आई थी अस्पताल में, जहाँ पर उसके इलाज कराने के लिए, यानी कि एक माँ होकर के भी पिता का फर्ज निभाने वाली थी वल्ली अम्बाल।
अगला है जी कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो कहानी का सारांश यही आपके सामने है, किसी भी कहानी को छोटा करके लिख देना कहानी का सारांश कहलाता है। कैसे लिखोगे कि इस कहानी की मुख्य पात्रा, इस कहानी की मुख्य पात्रा पापती है जिसकी उम्र 12 वर्ष है, इसके गांव का नाम ये है, इसकी मम्मी का नाम ये है और इसे यह मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित होती है। इसके रोग को निवारण करने के लिए इसे मदुरै शहर में लाया जाता है, और मदुरै शहर में इसका जहाँ इसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है तो फिर इसे वापस लेकर के इसकी माँ उसके गांव चले जाती है। ठीक है ना, बस इतना ही लिखना है। ऑब्जेक्टिव खत्म, सब्जेक्टिव खत्म, सारा कुछ खत्म मेरे बच्चे। इस चैप्टर से लाइफ में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लाइफ में तो नहीं पढ़ना है, बस टेंथ में पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, बस कहानी को अपने शिद्दत से पढ़ाए। इस वीडियो को कम से कम दो बार देखना, अब इसके ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लगाओ और देखो आपका घोड़ा दौड़ रहा है दिमाग का, क्या आपका काम कर रहा है, सारे क्वेश्चन बन रहे। तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया, वहाँ पर लिखा होगा इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जाकर के जरूर उस पर क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए, उसके बाद देखिए कैसा होगा। तो सब्जेक्टिव भी मिलेगा, अब मैं भी कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, इसका अगला होगा धरती कब तक घूमेगी। मैं हर वीडियो को बना बना के आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो मैं आपको कहूँगा मेरे भाई लाल बटन का एक सब्सक्राइब होता है ज़रूर दबा देना, इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मेरे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। और आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी मेरे बच्चे। और पूरा इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट। मैं हर सब्जेक्ट में ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के बहुत जल्दी जैसे आ रहा हूँ, चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखना। हमारा नोट्स लेने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 77008794 पर कॉल कीजिए। ठीक है ना, 77008779 पर कॉल कीजिए। मात्र 150 रुपये में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स देते हैं, तो आप लोग ज़रूर लीजिए मेरे बच्चे, बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है ना, धन्यवाद आप सभी का इतना समय देने के लिए, इस कहानी को अच्छे से सुनने के लिए। और मैंने भी अपने शिद्दत से मेहनत की, आप भी शिद्दत से मेहनत करो, माँ का सपना करो। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं, तो सपने भरे देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चों इसी के साथ पढ़ते रहो, हौसला मत हारना मेरे बच्चे। 450 का टारगेट पूरा करना है तो किसी भी हाल में करना है, लगा दो दम, दिखा दो जवानी को, आप क्या कर सकते हो। जय हिंद, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।